अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर इन पीपीएससी एग्ज़ाम, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश लिटरेचर जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में और देखेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स या जो इसके पहलू इंग्लिश लिटरेचर के वो हमें पीपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और पीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए हमें इंग्लिश लिटरेचर की कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर इन पीपीएससी एग्ज़ाम क्या होती है। इंग्लिश लिटरेचर इन पीपीएससी एग्ज़ाम, इसको देख लेते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर इज़ इंक्लूडेड इन दी सिलेबस ऑफ पीपीएससी मीन के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम फॉर सर्टेन पोस्ट। द टॉपिक्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक पोस्ट एंड द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। However, generally the syllabus cover literary periods, genres, literary movements, major author and their works, literary analysis, literary terms and literary criticism. इंग्लिश लिटरेचर में जो सिलेबस है पीपीएससी का, जिसे हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी बोलते हैं, वो सर्टेन पोस्ट के लिए होता है और जो टॉपिक्स होती हैं वो स्पेसिफिक यानी ख़ास पोस्ट के लिए बने होते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए होती हैं। ताहम जो हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इस सिलेबस में तकरीबन जो चीज़ें देखी जाती हैं इंग्लिश लिटरेचर से वो ये हैं कि इसमें लिटरेरी पीरियड्स को देखा जाता है, जो इसमें जॉनराज इस्तेमाल हुए हैं, जो इसमें लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, जो मेजर मतलब जो बड़े बड़े अथर्स हैं जैसा कि शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है ETC या उनके वर्क्स जो होते हैं। इसी तरह लिटरेरी एनालिसिस देखा जाता है, जो लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुई हैं वो भी सिलेबस का हिस्सा होती हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी इस सिलेबस का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द पीपीएससी एग्ज़ाम कैन रेफर टू द ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर टू गेट एन आइडिया ऑफ द टॉपिक्स एंड द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चन एस्क्ड इन द इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट कैंडिडेट रेफर टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपीएससी एग्ज़ाम की इंग्लिश लिटरेचर की किस तरह से प्रिपरेशन की करनी चाहिए, मीन इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं जो पीपीएससी एग्ज़ाम में अपेयर होती हैं तो उनको ऑफिशियल सिलेबस, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखना चाहिए, उन टॉपिक से आइडिया लेना चाहिए और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन के उनको उनके बारे में देखना चाहिए। और इसमें ये चीज़ भी रिकमेंड की जाती है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं उनका मुताला करें और जो रेफरेंस बुक होती हैं उनको प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। तो आई थिंक ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का पीपीएससी एग्ज़ाम के लिए।